सो वेलकम बैक टू माय माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मीना नियोको का ग्रामर का चैप्टर नंबर एटीन की रेंज के बारे में सो आई होप आपने चैप्टर नंबर एटीन के जो पैटर्न थे वो बहुत अच्छे से समझ ले होंगे तो चलिए चलते हैं आज की रेंज की तरफ और देखते हैं कि आपने जो एक्सरसाइज की है वो सही है या गलत तो चलिए चलते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट का इसका फर्स्ट आना था किस तरीके से बनना था वो मैंने यहाँ पर आपको बना दिखाया है फर्स्ट का जो फर्स्ट आएगा वो आएगा मीरा सावा उनतेन का देखी मास सभी में आपको मीरा सान यूज़ करना है क्योंकि एग्जाम्पल में मीरा सान दे रखा है अब उनतेन का देखी मस मैंने आपको बताया था नाउन और गा देखी मास उसके साथ यूज़ होगा तो उनतेन हो गया आपका ड्राइविंग ठीक है तो मीरा सान जो है वो ही कैन ड्राइव या शी कैन ड्राइव हु एवर ही और शी इज़ तो उनतेन का देखी मस सेकेंड की बात करें तो मीरा साह हुआ रियोरी का देखी मास यानी मीरा सान जो है वो फूड uh, बना सकती हैं या आप कह सकते हैं तो कुक कर सकते हैं राइट तो मीरा सान व रियोरी का देकी मास तो देखी मास मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके अंदर सेंस जो होता है वो करने का होता है ठीक है तो वो आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा बट इसके अंदर जो इंटरनली इसका सेंस होता है वो करने का ही सेंस होता है थर्ड मीरा शान हुआ साक्का का मास यानी जो मीरा सान है सो ही कैन प्ले सॉकर ठीक है फोर्थ मीरा सान हुआ डांस यूगा देकी मास यानी मीरा सान कैन मीरा सान जो मिस्टर मीरा ही कैन डांस राइट इस तरीके से ये आंसर आने थे अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको एक इमेज दे रखी है उस इमेज के अकॉर्डिंग आपको लिखना था कैसे लिखना था क्वेश्चन पूछना था उसका आंसर भी देना था पियानो हिको कोतो का देकी मास का ठीक है सो क्या आप पियानो को प्ले कर सकते हैं आई मीन क्या आप पियानो जो है बजा सकते हैं ठीक है ठीके? तो पियानो हिको कोतो का देकी मास तो यहाँ पर हाई देकी मास वहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखें अगर स्माइल है तो हाँ वो कर सकता है और अगर वो स्माइल नहीं कर रहा है ठीक है तो अपोजिट केस में आप नेगेटिव उसका सेंस समझेंगे यानी ई ए तो सेकंड में है निहोंगो हना सुकोतो का देखी मास का ई य देखी मासन आप देखना इमेज में क्या है एक्चुअल में वहाँ पे निहोंगो और पेरा पेरा लिखा हुआ है पेरा पेरा मीन्स फ्लुएंटली तो अगर आपने ये लिखा है कि निहोंगो पेरा पेरा हना सुकोतो का देखी मास का तो वो भी ठीक है ठीक है मैंने यहाँ पर पेरा पेरा ऐड नहीं करा है जिसका मतलब होता है फ्लुएंटली तो क्या आप फ्लूंटली जापनीज़ बोल सकते हैं वहाँ ये पूछना चाह रहा था और मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ सिंपली क्या आप जापनीज़ बोल सकते हैं तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये देकी मस नहीं बोल सकते राइट थर्ड right? ओयोगु कोतो का देकी मास का क्या आप स्विमिंग कर सकते हैं ठीक है या कैन यू स्विम तो हाई देखी मस वहाँ पर दे रखा है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तो हाई देखी मस यानी कि येस आई कैन फोर्थ बीरू ओ नोगो कोतो का देखी का क्या आप ड्रिंक कर सकते हैं ठीक है तो ये देखी मस नो आई कांट नहीं मैं नहीं कर सकता तो ये इसका आंसर आना था इस तरीके से थर्ड की बात करें तो थर्ड का जो फर्स्ट है वो है रियोनो हैदे no रियोरी रियो का देखी का अब रियो जहाँ पर ये जो मीन है रियो का वो एक तरीके से हॉस्टल भी होता है एंड डॉर्मेटरी रूम होता है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं रियोनो है रियो no day, रियो रियो दे रियोरी का देखी का यानी कि हॉस्टल के रूम में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप क्या कोई रियोरी बना सकते हैं मतलब कोई डिश बना सकते हैं तो इसका आंसर है क्या यहाँ पे ये देखी मसन नो आई कांट मतलब हम नहीं कर सकते मैं नहीं कर सकता सो so, ये देखी मसन सेकेंड दिन हिकोकी नो यो याकूगा देखी का फ़ोन से क्या हम अपनी टिकट बुक करा सकते हैं कि फ़्लाइट की या फ्लाइट का रिजर्वेशन हम करा सकते हैं अपना तो हाई देखी मास्क बिल्कुल करा सकते हैं थर्ड तुशोकान दे जोशो हो खारीरुख हो का देखी का। क्या हम तोशोकान यानी कि लाइब्रेरी क्या हम लाइब्रेरी से जो है जिसो बोलते हैं डिक्शनरी को कि क्या हम लाइब्रेरी से डिक्शनरी को बारो कर सकते हैं तो ये देखी मसन एंड फोर्थ हो तेरुकारा बासुदे कु कोतु तो का देखी मस्का होटल से अगर हम बस लें तो क्या बस से हम एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं तो आंसर है हाई देखी मस हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं तो ये तीन क्वेश्चन इस तरीके से होने थे अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर अब क्वेश्चन नंबर फोर किस तरीके से होता है वो भी देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहले आना था नान मेत्र गुराई अयोग कोतो का देखी मस्का यानी कि कितनी मीटर दू कितने हाउ लॉन्ग अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आप कितने मीटर तक जो है स्विमिंग कर सकते हैं तो ह्याकु मेत्रो गुराई अयोग कोतो का देखी मसक मतलब हंड्रेड मीटर जो है वो स्विमिंग कर सकता है सेकेंड इसका था दोना रेवरी और शुक्र कोतो का देखी मस्का यानी कि कौन सी डिश जो है वो आप बना सकते हैं तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना था अकॉर्डिंग टू पिक्चर जो वहाँ पे दे रखा है मेंशन कर रखा है सॉरी पिक्चर नहीं जो उसमें ऑप्शन दे रखा है तेमपुरा ओ सुखी मस तेमपुरा जो है वो बना सकता है थर्ड है दोनों कुराई हो दोनों कुराई हॉन कारीरु कोतो का देखी मस का कब तक के लिए आप जो है बुक को उधार ले सकते हैं ठीक है कब तक ले सकते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल कहीं आप लाइब्रेरी से ले रहे हो तो वहाँ से आप कोई बुक अगर आप उधार ले रहे हो तो कब तक ले सकते हो तो निशुकान गुराई हॉन ओ खारीरुक खोतो का देखी मस दो वीक तक आप उस हॉन को जो है बुक को है वो आप रख सकते हो अपने पास उधार ले सकते हो नान जी मा दे कुरु तो, तो मेरू कोतु तो का देखी मस्का तो जो पार्क गाड़ी को पार्क करने की जो टाइम लिमिट है वो कब तक है कब तक हम कुरा पार्क कर सकते हैं तो योरू जू जी योरू जू जी माँ दे तो मेरी कोतु तो का देखी मसक यानी कि रात को दस बजे तक यू कैन पार्क योर कार या यू कैन पार्क योर व्हीकल जो भी आपका है राइट तो इसमें इस तरीके से आंसर आने थे फिफ्थ का शुमी व नान दिस का इसमें सब में यही चलना है क्वेश्चन सबका यही रहेगा शुमी व नान दिस का एगा ओ मिरु कोतो मिरुकोतोदेस ठीक है शुमी वन का शाशिनो तोरु कोतो कोतोदेस शुमी वन आंदिस ऊताओ कोतो कोतोदिस एंड शुमि वन आंदिस कुरुमाओ उन सुरु कोतो तो दस कभी आपसे भी कोई पूछ ले शुमी वन आंदिस का तो आप अगर एक सेंटेंस में उसे कहना चाहते हैं सो यू कैन यूज द सेम वे जैसे यहाँ पे बोल रखा है सुरु कोतो तो देस, जो भी है वॉट एवर आपकी जो भी हॉबी है वो लगा के सुरु कोतो तो दस पर ख़त्म कर सकते हैं सिक्स पर चलते हैं सिक्स में दे रखा है शोकुजी मायनी शिमबुन और योमि मस देखो यहाँ पे मैंने शोकू जी लिखा है राइट अब सिम्बल सी बात है खाने से पहले अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की बात कह रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है ये बात मॉर्निंग की होती है तो वहाँ पर जो फूड खाते हुए एक पर्सन को दिखाया गया पिक्चर में अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था आशा गुहान और ताबे रू मायनी शिमबुन और योमि मस तो मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट ने ये सेंटेंस लिखा होगा तो वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है राइट यहां पर मैंने लिखा है शोकुजी नो मायनी शिम्बुन ओ योमिमास तो अगर आपने लिखा है आशा ओ योमिमास तो वो भी ठीक है और अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो ये भी ठीक है सेकंड ओ आबिमास यानी स्विमिंग से पहले जो है वो शावा कर लेता है ना फिर टेक अ बाथ वो नहा लेता है देन उसके बाद थर्ड है तोमोदाची नो उची ऊंची एक काके मास किसी फ्रेंड के घर जाने से पहले एक बार फोन तो मैं वो खा के मैं यानी कि फ्रेंड को फोन कर लेते हैं और यूजली हम सभी करते हैं जब भी अपनी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं तो उससे पहले उसे फ़ोन कर लेते हैं कि वो घर पर है या नहीं फोर्थ रियोकोनोमाइनी उखाने ओ खाइमस देखो यहाँ पर आप रियोकोनो मायनी क्योंकि पिक्चर में रियोको दे रखा तो सिंपली मैंने रियोको लिखा आप गाय कोकून और रियोको भी लिख सकते हैं यानी फॉरेन कंट्री के ट्रिप के लिए ट्रिप पर निकलने से पहले यानी जाने से पहले आप जो है उखाने और खैमस कर लें यानी कि जो मनी है जो आपका पैसा है उसको एक्सचेंज कर लें अगर तो आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं तो आपको डॉलर चाहिए होंगे राइट तो वो आप जो मनी एक्सचेंज कर सकते हैं वो मनी एक्सचेंज करने का काम हम पहले कर सकते हैं ट्रिप पर निकलने से पहले अच्छा इसके बाद आता है सेवन क्वेश्चन तो इसमें सेवन क्वेश्चन का फर्स्ट आएगा इत्सु जोगिंग ओ शमस का आप जॉगिंग जो है वो कब करते हैं राइट इथ्सू का मतलब वैन तो खाशाए एकू मायनी शिमस सुबह ऑफिस जाने से पहले कंपनी जाने से पहले मैं जॉगिंग करता हूँ सेकंड इथ्सू सोनो खामेरा हो खाई मश्ता का वो कैमरा आपने कब खरीदा था तो निहोन कुरू खाई खाईमाश्ता जपैन आने से पहले मैंने खरीदा था थर्ड इट्स इच, शीरियो कॉपी शिमस का जोरियो शीरियो है वो आप कब कॉपी करते हो तो खाई गिनो मायनी शिमस जो मीटिंग है उससे पहले जो है वो कॉपी करके रख लेता है ये कॉपी करता है राइट तो इस तरीके से इसके आंसर आने थे अब लास्ट चलते हैं इसी के कुछ जो फर्दर आ, कुछ क्वेश्चन बचते हैं चार क्वेश्चन वो भी देखते हैं वो किस तरीके से होने चलिए तो सेवंथ क्वेश्चन का जो लास्ट का आपके कुछ क्वेश्चन बच रहे थे रिमेनिंग तो उन रिमेनिंग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं तो इसके बाद जो फोर्थ इसका क्वेश्चन बनना था वो इस तरह से बनना था इथ्सू कूनी मास का तो क्रिसमस नो माइनी मास सो so, क्रिसमस से बिफोर जो है वो अपने घर लौटता है फिफ्थ इत्सू नहोन ए का आप निहोन कब आए थे जापान कब आए थे तो गो नाइनी किमाश्ता राइट right? एंड द लास्ट इथ्सू नीमोत्सु ओकुरी माश्ता का जो पार्सल है वो आपने कब भेज दिए थे तो मिक्क् माइनी ओकुरी माश्ता यानी तीन तारीख से पहले ही भेज दिया था ठीक है तो आ, अब मैंने यहाँ पर जो है मिक्का के साथ एंड गो के साथ नो no पार्टिकल नहीं लगाया जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि जब मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया था माइनी पैटर्न में तो क्वान्टीफायर पीरियड के साथ कभी भी जो है नो no नहीं लगता सिर्फ नाउन के साथ लगता है सो आई होप आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर नो बिल्कुल भी मत लगाना तो ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही था जो मैंने आपको बताया है तो आई होप आपने अपने सारे क्वेश्चन जो है वो अपने क्रॉस चेक कर लिए होंगे और आपको अपनी गलती जो है वो पता चल गई होंगी अब लास्ट चलते हैं हमारा जो मोन्दई का सी एंड शू के बाद जो आपका मोन्दाई आता है लिसनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आपको वही अगेन मैं कहूँगा आपको केयरफुली सुनने हैं उसके बाद आंसर लिखने हैं खुद से सेकंड में आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा मारू होगा कौन सा बादशू तो सेकंड का फर्स्ट जो आंसर है वो बादशू है ठीक है एंड क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा गया है एक लेडी ने एक पर्सन आदमी से ये पूछा है कि भाई उसे क्या चीज़ मतलब उसने कहा था कि उसको जो है रियोरी पसंद है तो किस टाइप की रियोरी उसे रियोरी बनाना पसंद है यानी कि उसे डिश बनाना उसे पसंद है लेकिन लास्ट में उसने ये कहा कि जो पर्सन है जो आदमी है उसे जो डिश है वो खाना पसंद है तो इसलिए वो बात सुता पूरी तरीके से राइट right? तो ये मुझे थोड़ी बहुत स्टोरी याद थी इसलिए मैंने आपको बताया सेकेंड जो है इसके अंदर उसका मारू है थर्ड जो है इसके अंदर उसका कम्प्लीटली बादशू है फोर्थ का भी इसके अंदर बादशू है एंड फिफ्थ का भी इसके अंदर बादशू है तो ये इसके आंसर थे अगर आपने मोनदेही के आंसर इस तरीके से लिखे हैं तो वह बिल्कुल करेक्ट है तो आज के इस चैप्टर में आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हो सकता है आपके पास जो टेक्स्ट बुक हो और जो टेक्स्ट बुक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें डिफरेंस हो सकता है क्योंकि दो एडिशन की यहाँ पे टेक्स्ट बुक मैंने देखी है अभी तक एक पुरानी टेक्स्ट बुक है और एक न्यू टेक्स्ट बुक है मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये न्यू टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ तो मे बी हो सकता है कुछ आंसर जो मैं लिखवाता हूँ हो सकता है वो कुछ आपको नहीं मिले या हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा गलत भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको गलत बताया है और अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने आपको कुछ गलत बताया तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने गलत कहाँ पर क्या चीज़ करी राइट इसके अलावा मेरी तरफ से कोशिश पूरी यही है और नाइन्टी नाइन परसेंट मैं ठीक हूँ कि भैया मैंने जो करवाया वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो अगर आपकी कोई भी क्वाइरीज़ हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और हाँ अगर आपको ये वाला चैप्टर सीखना है जिसके अंदर आपको जिसके अंदर हमने माएनी और बहुत सारे फॉर्म सीखे थे तो अगर ये चैप्टर सीखना है तो आप ऊपर जाकर जो है आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर की ग्रामर जो है और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप स्माइलिंग टेक केयर एंड बाय बाय